Very good evening. I am Shilpa and I welcome you all to the NCERT live phone-in program. Today our topic of discussion is Art Integrated Learning, briefly also known as AIL. AIL is a learning approach that means to learn through the arts, about which we will learn more from Professor Pawan Sudhir, who is Professor and Head of the Department of Arts and Aesthetics in NCERT. I welcome you, ma'am, in our today's program. Namaskar, sabko. So let's proceed to understand this very significant topic. Ma'am, baat AIL ki ho rahi hai, that means Art Integrated Learning. So what exactly is it? देखिए, Art Integrated Learning जैसा नाम से ही विदित होता है, जहाँ पे सीखने के लिए कलाओं का सहारा लिया जाता है. हिंदी में बोलते हैं हम कला समेकित अधिगम. सो जहाँ जैसे कक्षा में जब अध्यापक बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए एक परिस्थिति क्रिएट करता है, तो उसमें उसका ये प्रयास रहे कि कलाएं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही सहज है, नेचुरल है, उनका सहारा ले. तो कला समेकित अधिगम या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का जो मुख्य यदि उसको हम करते हैं एक्सप्लेन, तो यही है कि कलाएं एक माध्यम के रूप में जहां शिक्षा को देने के लिए प्रयोग में लाई जाए. सो मैम, इट वाज इनिशिएट एनसीईआरटी द्वारा किया गया था, तो ये एक्चुअल में लॉन्च कब हुआ और क्या ज़रूरत थी कि इसको फॉर्मल स्कूलिंग के साथ इंटीग्रेट किया गया? इस पर्टिकुलर विचारधारा का जन्म तो जो है वो एनसीएफ 2005 के साथ ही हुआ. यदि आप देखेंगे जैसे मेरे पास सभी ये आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस एंड थिएटर का पोजीशन पेपर है जो एनसीएफ का हिस्सा है, इसमें बहुत ही क्लियर इसमें पहली बार बात की गई कि कला शिक्षा जो है वो एक विषय के रूप में पहली से लेके दसवीं तारीख तक दी दसवीं कक्षा तक दी जाए. जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहीं पे ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक बहुत क्लियर तरीके से कहा गया कि कला शिक्षा दो तरीके से दी जाएगी, एक है विषय के रूप में और दूसरा है इसे हम एक माध्यम के रूप में लें. तो जब माध्यम के रूप में लेने की बात कह रहे हैं, तो आप यदि हमारे फोकस पेपर के पेज नंबर 8 और 9 पे जाएंगे तो उसमें लिखा है कि ये जो लर्निंग थ्रू द आर्ट्स है ये कक्षा 1 से 12वीं तक तो रहेगा ही, इवन जो प्री प्राइमरी स्टेज है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2+10+2 स्टेज वाइज जो है इसे दिया जाएगा. तो एनसीएफ ने इसके ऊपर बहुत क्लियरली ये चीज़ हमारे सामने रख दिया था, परंतु बहुत समय तक हम कला को एक विषय के रूप में उभारने में लगे रहे. और 2010 में हमने पहली बार ये प्रयास किया कि विधिवत तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग शुरू की जाए. और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये भी है कि एनसीएफ में हम ये कहते हैं कि जो प्री प्राइमरी प्राइमरी है उसमें 90% जो हमारा समय है सीखने और सिखाने का वो कला माध्यमों पे जाना चाहिए. और जो हमारा अध्यापक वहाँ कला की शिक्षा दे रहा है वो अपने सारे विषय कराता है अपनी क्लास को, तो कला जो है ये बहुत ही गौण हो जाती है या कला के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता. जब हमने अध्यापकों से बात करी तो उनका ये कहना था कि हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम विषयों को पढ़ाते हैं, हम कला को तो जानते ही नहीं है, हमने केवल ब्लैक बोर्ड राइटिंग करी है और वो तो उसे हम सोचते हैं कि माध्यम के रूप में नहीं बता सकते. तो ये जो प्रयास है एनसीईआरटी का, ये 2010 में हमने शुरू किया, जिसमें देश भर में हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन किए, टीचर्स से बात करी, उनको क्या समस्याएं हैं यदि हम आज इंटीग्रेटेड लर्निंग शुरू करते हैं, तो उनके जो विचार थे और उनकी जो डिमांड थी उसको लेकर के हमने 7 मॉड्यूल्स बनाए. यहाँ मैं चाहूँगी कि आपको दिखाऊँ कि ये हमारा जो है पैकेज, ये उसी का ही नतीजा है जिसमें हमने 7 जो मॉड्यूल्स हैं उनको बहुत ही सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में यहाँ पे दिया है कि
जो शुरुआत होती है एक्चुअली टीचर्स की कठिनाइयों को लेके. टीचर्स ने कहा कि हमें कला के कुछ ऐसे छोटे छोटे रूप बताओ जो हम विषयों के साथ जोड़ने के समय यूज़ कर सकें. तो हमने एक मॉड्यूल जो है आइस ब्रेकर्स के ऊपर रच डाला और उसमें हमने सारी वो चीज़ें ली हैं जो हम ये देखते हैं कि टीचर जिसको कि कला में निपुणता नहीं है, स्किल्स नहीं आती हैं, ना उसको थिएटर करना आता है ठीक से, ना उसको संगीत की कोई शिक्षा ऐसी रही है, तो वो झिझकते हैं इसमें, ना ही वो विजुअल आर्ट में कुछ ड्राइंग करना, पेंट करना इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते. करते हैं पर कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते. तो हमने उनके लिए छोटे छोटे इस तरह के एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे रची, जिनको देख करके टीचर को अब ये लगने लगा कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है. तो हमने 1 से 7 जो मॉड्यूल्स लिए उनमें लगभग हमारे इस तरह के मॉड्यूल्स हैं जिनको कोई भी अध्यापक किसी भी कक्षा का 8वीं तक, पहली से 8वीं तक की यदि बात करें तो बहुत सुविधा से, बहुत ही आसानी से और बेझिझक करा सकता है और उसके साथ अपना जो भी विषय वो कराना चाहते हैं उसको लिंक कर सकता है. तो इससे उनको बच्चों के साथ घुलना मिलना, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना, बच्चों को जो है जॉयफुल एनवायरमेंट देना, बच्चों को इस तरह की परिस्थितियां देना जिसमें बच्चे एक्सपीरियंस करके जो वो करना चाह रहे हैं, जो अध्यापक चाहते हैं कि बच्चा सीख पाए, उस सारे को सहज तरीके से कर पाए. तो ये मॉड्यूल्स हमने जो है 2010 में तैयार किए. और एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगी कि मोस्टली क्या होता है कि जब कोई मटेरियल रचा जाता है तो हम सोचते हैं कि इसको अब अध्यापकों को दे दें. ये एक ऐसा मटेरियल था क्योंकि ये पेडागॉजी हम एक प्रमोट कर रहे थे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की, तो हमने पूरा प्रयास किया कि हम जो हमारा क्लासरूम है उसकी परिस्थितियों को देख के अध्यापक के द्वारा इसको कक्षा में टेस्ट करने के लिए कहें. तो हमने इसका लगभग 10 states में, और बॉटम लाइन जो हमारे स्कूल हैं जैसे दिल्ली की बात करें तो हमने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं उनके कई तरह की दिक्कतें हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, सुविधाएं नहीं हैं स्कूल में, आर्ट का आर्ट की एक्टिविटीज़ को देखते हुए जो एक हमें असंतुलन लगता है कि उनके पास कभी कभी ड्राइंग का शीट भी नहीं होता था, तो उन परिस्थितियों में टीचर कैसे करेगा. हमने उस लेवल तक इसको लाने का प्रयास किया. तो जब हमने 10 विभिन्न राज्यों में इसको 2010 से लेकर के लगभग 2014 तक हम इसे तरह तरह से फील्ड टेस्टिंग कर रहे थे, जब सब जगह से रिजल्ट हमें अच्छे आए और कहीं कहीं हमें परिवर्तन भी करने पड़े, वो करके तो 2014 में जो है ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए मटेरियल टीचर्स के हमने तैयार कर दिया. अब मैम आपने कहा कि टीचर्स को काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, तो क्या टीचर्स को ट्रेन किया जाता है? यस, टीचर्स की ट्रेनिंग, ये एक्चुअली जो मटेरियल है ये है ही टीचर्स की ट्रेनिंग का, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने का, क्योंकि एनसीईआरटी का काम रिसोर्स पर्सन की कैपेसिटी बिल्ड करना है, फर्दर वो जाके आगे दूसरे टीचर्स को ट्रेन करते हैं. तो हमने हर स्टेट से सेलेक्टेड लोगों को बुला करके जो आगे दूसरों को ट्रेनिंग दे पाए उनके हमने 10 दिन की ट्रेनिंग करी. और इसमें पैकेज में क्लियरली मेंशन किया हुआ है 1 दिन की ट्रेनिंग कैसे, 1 session ऐसे, तो चौथा सेशन कैसे, बहुत ही तरीके से सिलसिलेवार ये जो है किया. और जिन लोगों की हमने ट्रेनिंग की वो खुद तो कर ही रहे हैं कक्षा में, और ऐसे रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टेट्स में बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया. और खुशी की बात ये है कि उनमें से चुनिंदा टीचर्स हमारे लिए एनसीईआरटी के लिए रिसोर्स पर्सन का काम करते हैं. जब हम दूसरे राज्यों में जाकर के ट्रेनिंग देते हैं तो वो टीचर्स जो हैं, शायद उनमें से कुछ आज देख भी रहे हों इस प्रोग्राम को, वो लोग हमारे साथ बाकी के जो अध्यापक हैं उनको ट्रेन करने का भी काम कर रहे हैं जी. मैम यहाँ पे एक प्रश्न लेना चाहूँगी, उस्मान जी का प्रश्न है. आपने बात एक्टिविटीज़ की थी, तो उनका प्रश्न है किस तरीके की एक्टिविटीज़ इससे जुड़ी हुई है जो बच्चों को क्लासरूम में करवा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है उस्मान जी. इसमें हम एक्टिविटीज़ ऐसी लेते हैं जिसमें हमारे बच्चों को कहीं पे कठिनाई ना हो, जिसमें टीचर बच्चों को बांधे नहीं. जैसे यहीं पे मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि कला शिक्षा में और कला समेकित अधिगम में दोनों में अंतर क्या है.
जब हम कला शिक्षा देते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि बच्चों को हम इस तरह की एक्टिविटी दें जिससे उनका स्किल डेवलप हो। जब हम आज इंटीग्रेटेड लर्निंग या कला समेकित अधिगम की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रयास होता है कि बच्चा जिस एक्टिविटी में सहज फील करे उस पे किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा दूसरा साथी मेरे से अच्छा कर पा रहा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। जिस एक्टिविटी के माध्यम से वो एक्सप्लोर कर पाए, एक्सपेरिमेंटेशन कर पाए और फिर उसके बाद उसको ये खुशी ऐसा का महसूस हो, ये एहसास कर पाए बच्चा, अरे मैंने इतना अच्छा कर लिया। तो हम जो अध्यापक को प्रशिक्षण भी देते हैं तो उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़, इवन ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे मेरे पिछले एपिसोड में जो मैंने बात करी थी कि कला माध्यम कौन कौन से रहे, तो यदि देखा हो इन्होंने तो उसमें ऐसी एक्टिविटी का जिक्र है कि एक धागा लिया और उसको रंग में डुबो दिया और यहाँ एक पेपर रखा है, उस पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रख करके हमने जो है उस धागे को खींचा और वो अचानक कोई आकृति बन जाती। अब ये क्या है, हम इन्हें आइस ब्रेकर्स कहते हैं कि जब बच्चा महसूस कर रहा है कि उसे आता नहीं या वो क्या करे या टीचर को भी ऐसा लग रहा है, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो यदि बच्चे करेंगे तो उसके बाद उन्हें अपने ही कला कार्य को देख करके जो मोटिवेशन होता है वो मिलता है और वो आगे उससे बेहतर काम करना शुरू करते हैं और उनका प्रेशर जो है वो हट जाता है जी। अब ये तो बात मैं उदाहरण दे रही थी विजुअल आर्ट का, मानो हम जो है वो थिएटर की एक्टिविटी परफॉर्मिंग आर्ट को ले रहे हैं, क्योंकि जब हम कला शिक्षा कहते हैं तो उसमें विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों ही रहता है। मानो हम थिएटर की एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो हम वैसा नहीं करेंगे जैसा एक थिएटर का टीचर बच्चों को थिएटर सिखाते वक्त करता है। यहाँ हमारा पर्पस है कि बच्चे को हमने मानो साइंस का या मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर करना है, उसमें हमने थिएटर का प्रयोग करना है। तो अब जब हम यहाँ थिएटर लेंगे तो हम थिएटर की जैसे वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं, क्लासरूम थिएटर है और उसे हम, इसकी एक टेक्निकल टर्म भी है, हम ये कहते हैं प्रोसेस ड्रामा, यानी कि प्रोडक्ट को ना देखें और हम जो कक्षा में हो रहा है उसको इस तरीके से कराएं कि भले ही वो बच्चा कभी भी ये सोचता है कि मैं ड्रामा नहीं कर पाऊँगा, पर इस एक्टिविटी को इतना सहज सरल और रुचिकर बनाए कि बच्चा उसमें जो है वो खुद ब खुद मोटिवेट हो करके उस कार्य को करे। सो सहज, छोटा और जिसे हर बच्चा कर सके, इस इंडिकेटर के साथ जो अध्यापकों को हम कहते हैं कि आप ये नहीं कहेंगे अरे ये क्या बनाया है, आप कहें वाह बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बताओ इसके माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि अरे मुझे तो आता है, मैंने कर लिया। तो जो भी हम करें सरल हो, क्योंकि एक्टिविटी टफ होगी तो बच्चा आर्ट करने में रह जाएगा और जो उसने एक्सपेरिमेंटेशन करना था, जो क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए थी वो नहीं वो कर पाएगा जी। तो मैम अगर बात करें बेनिफिट की तो AIL की बेनिफिट क्या है एज अ पेडागॉजी? थैंक यू, ये बहुत बढ़िया जो है, यही पॉइंट यदि हमारे अध्यापक समझ जाते हैं तो वो आज से ही प्रयास करेंगे कि जो ट्रेडिशनल सोच से टीचिंग कराते हैं उसे छोड़ करके वो अपने पूरे कक्षा कक्ष को जो है कलामय करें और बच्चों को रुचिकर तरीके से सीखने के लिए प्रेरित कर पाएँ। कला समेकित अधिगम जो है ये बच्चों के जो टोटल लर्निंग के लिए फैकल्टी की ज़रूरत होती है, जैसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम बच्चे का सोचना, एक्सपेरिमेंटेशन करना और उस पर कल्पना करना, इस तरह की चीज़ें सारी आती हैं, चीज़ को समझना, तरह तरह से उसके जो है कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना, जिसमें दिमाग का बहुत जोर रहता है, बहुत उसके हिस्सा जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। दूसरा है साइकोमोटर, जिसमें बच्चा जो सोच रहा है उसको अपने हाथों के माध्यम से या अपने शरीर के माध्यम से कर पाए, जैसे थिएटर करते हैं तो पूरा बॉडी इन्वॉल्व होती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। यदि मैंने रोल करना है राजा का या मानो भिखारी का, तो मैं भिखारी के रोल में, भिखारी के रूप में अपने आप को महसूस करना शुरू कर दूँ।
तो ये जो चीज़ें हैं, जब इस तरह का हम बच्चे को एक्टिविटी देते हैं तो उसका जो साइकोमोटर डोमेन है वो भी काम करता है। और थर्ड है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा आजकल जोर दे रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यदि हमारा एप्लीकेशन पार्ट है जिसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, कि जो भी मैं जानती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, उसे समय आने पर या सही परिस्थिति में प्रयोग में ला सकूँ, तो वो जो चीज़ है वो कला माध्यम से बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से होती है। शुरुआत ही बच्चा वहाँ से करता है, जो उसको आता है उससे करना शुरू करता है। तो यदि इसे मैं दूसरे तरीके से भाषा में लेकर के आऊँ, तो मैं ये कहूँगी कि जो भी शिक्षा का स्वरूप है, जो हम तीनों डोमेन की बात करते हैं, वो शायद कला कार्यों के माध्यम से ही पूर्ण होता है, और किसी भी एक्टिविटी से इस तरह से हम नहीं कर पाते। इसलिए जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, ये माध्यम जहाँ भी हमने प्रयोग में लाया, हम देख रहे हैं कि टीचर भी उससे खुश है, क्योंकि परिणाम बहुत अच्छे हैं, बच्चे जल्दी सीख रहे हैं, बच्चे खुशी से सीख रहे हैं, हर बच्चा कक्षा में जो है, जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम, कि कोई बच्चा छूटे नहीं, भले ही उसको किसी तरह की समस्याएं भी हों, जो बच्चे हमारे जो है थोड़ा जिनका किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफ़िकल्टीज रहती हैं, कई स्पेशल बच्चे हैं, वो सब भी एक साथ इसमें जुड़ जाते हैं। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बच्चों को एक पूर्ण रूप से सीखने का मौका देते हैं, और जो बच्चा सीखता है इस माध्यम से, उसे आसानी से भूलता नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों डोमेन जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। अब मैम, इसी से जुड़ा हुआ आपने दिव्यांग बच्चों की भी बात की अभी बीच में, इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है दौना जी का। उनका प्रश्न है, व्हाट अबाउट दोज पीपल, मतलब दिव्यांग बच्चों के बारे में क्या है, और वो कैसे प्रमोट करता है, AIL कैसे प्रमोट कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन को? अपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ा करके आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि कला कार्य जो होते हैं उसमें मोस्टली हमारी जो पद्धति है, इसमें जो AIL को एज मॉडल हम प्रमोट कर रहे हैं, उसमें हम इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं कि किसी भी बच्चे को अकेला ना काम करने को ज़्यादा दिया जाए। बिकॉज हमने ये देखा है कि जब बच्चे समूह में काम करते हैं, तो एक तो जो बच्चा थोड़ा शाई है, जो इंट्रोवर्ड है, जो अपने सबके सामने जब उसको कुछ पूछा जाता है तो वो अकेले जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता, उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आता नहीं है। और यहाँ मैं आपका स्पेशल ध्यान चाहूँगी कि दिव्यांग बच्चे ही ऐसे नहीं हैं, हमारी कक्षा में वो बच्चे जो बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं, सुन लेते हैं, जिनके सारी जो सेंसेस हैं वो हमें ठीक दिखाई देती हैं, वो भी कक्षा में कई बार ऐसे पाए जाते हैं, ना वो सुन रहे हैं, ना वो बोल पा रहे हैं, और उस परिस्थिति में वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं। तो इसमें हम जो है ऐसे कला कार्य देते हैं, और उसमें छोटे छोटे समूह बना देते हैं, छोटे से छोटा समूह हम कहते हैं दो बच्चों का हो सकता है, जहाँ एक बेंच पे बैठे हुए जैसे आप और मैं हैं, हमें कोई कार्य दिया गया है और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और उस कार्य को भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, भले ही मुझे कोई चीज़ कम आती हो, आपको वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा आती हो, जो हम सब जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल में होता है, आप में कोई एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, मेरे में हो सकता है वो इंटेलिजेंस थोड़ी कम हो। तो जब हम एक समूह के रूप में काम करते हैं तो हम ना केवल एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक बेटर जोड़ी की तरह से परफॉर्म भी करते हैं। तो इससे क्या है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे भी हैं, मानो किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, उसका जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, पर वो सुनता बहुत अच्छा है, हम सब जानते हैं, और हमने लिखा भी है कि एक सेंस जो है उसकी कम होने से उसकी दूसरी सेंसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, और कई बार दूसरे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, ये बच्चा हमारा जवाब दे पाता है। तो जब हम टीम में हैं, दो की, चार की, छः की, छः से ऊपर हम मना करते हैं प्राइमरी लेवल पे, बट बड़ी क्लास है तो हम 15 तक भी टीम बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, और ये बच्चे को कहीं नहीं लग रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो हम आपस में बात कर रहे हैं उसमें ये उसका जोड़ीदार है, ये उसका टीममेट है, और वो मिल करके इस काम को करते हैं। तो ना केवल एक सेंस का, यहाँ पे पांचों के पांचों सेंसेस काम करती हैं, ये भी कारण है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को
हमने पाया कि ये सबसे ज़्यादा कारगर है. जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से बच्चे रेत से, पेबल से, लकड़ी से, पत्ते से काम कर रहे हैं और वो इतना अच्छा सीख रहे हैं, इतना अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, और टीचर उसको बड़े हल्के से सब्जेक्ट की कंसेप्ट के साथ जोड़ देता है और ये कहता, अरे आपने तो ये सब कर लिया, अब देखते हैं हमारे इस लेसन में क्या लिखा है. और बच्चे ये पाते हैं कि उन्हें तो वो सब कुछ आता था जी. तो ये इसमें भले ही दिव्यांग हो या दूसरे बच्चे जिनकी सेंसेस ठीक हैं पर वो स्लो हैं उस वक्त, या मेंटल ब्लॉक की सिचुएशन में हैं जहाँ वो सोच नहीं पा रहे हैं, कक्षा में मौजूद नहीं है, उसके बावजूद जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो वो तीनों डोमेन के माध्यम से अपने कार्य के साथ जुड़ जाता है फुल्ली, और उस कार्य का हिस्सा बन करके लर्निंग जो है उसको बेहतर और सस्टेनेबल बना सकता है. मैम, एज वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग लर्निंग बाय डूइंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को हम बढ़ावा देते हैं, सो डू यू एग्री ऑन दैट? बिकॉज काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये भी प्रश्न था कि क्या ये प्रमोट करता है इस चीज़ को. ऑफकोर्स ये तो सारा ही लर्निंग बाय डूइंग है, पर इसमें एक होता है कि सिंपल एक्टिविटी है, जैसे हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर किट है और उस किट में एक एक्टिविटी है, उसको 10 बार करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे. हालांकि वो भी एक्टिविटी है, वो इस तरह का क्रियाकलाप है जिसे करके बच्चा, वो चाहे वो काउंटिंग है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, वो सब सीख जाता है. हम जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है इसको उससे भी एक स्टेप ऊपर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्टिविटी को करने के लिए अध्यापक के पास और बच्चों के साथ पास 50 तरीके हो सकते हैं. तो ऑफ कोर्स लर्निंग बाय डूइंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके माध्यम से बच्चा अपनी नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, बेहतर सीखता है और हमेशा के लिए सीख जाता है. कला उसको और ज़्यादा भीतर अंदर तक जोड़ने का कार्य करते हैं. तो ये फुल्ली एक्टिविटी के माध्यम से है, लर्निंग बाय डूइंग है, और हम हर तरह की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जो है वो अच्छा समझते हैं. बस हम इसमें आर्ट दे देते हैं और टीचर को पूरी इससे फ्रीडम मिलती है. अगेन मैं कहूँगी आप और मैं, हो सकता है आप जो है वो संगीत में बहुत अच्छी हों और चुटकियों में कुछ ऐसा रच देते हों या बच्चों को ऐसा मौका दे सकते हैं जिससे आप बच्चों के संगीत का जो पक्ष है उसको ऊपर ला सकते हैं, या नृत्य है, और मानो मैं थिएटर में और विजुअल आर्ट में अच्छी हूँ. तो यदि हमारा एक्टिविटी कोई एक ही तरह की होगी तो आपको और मुझे उसी तरीके से करनी पड़ेगी. यहाँ तो हम ये कहते हैं कि आज आपने इस क्लास को एक चीज़ को एक तरीके से कराया तो कल आप उसको छोड़ दीजिए, आप जो है किसी दूसरे तरीके से छोटा सा एक उदाहरण दे करके बच्चों को ये एक्टिविटी रुचिकर लगे ताकि यदि एक चीज़ करते हैं तो वो उससे बच्चों का मन हट जाता है. तो वो कला समय के तदिगम जो है हमें मौका देता है नित नया प्रयोग करने का और नित नई रचना करने का. मैम, यहाँ पे अगला प्रश्न लेना चाहूँगी. ज्योत्सना जी का प्रश्न है, हाउ टू इवैल्यूएट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आउटकम? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक पेडागॉजी है, और पेडागॉजी का मतलब होता है जो अपने आप में टीचिंग और लर्निंग कंप्लीट करने का एक प्रोसेस है. तो जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है इसके हमें इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई विषय नहीं है जिसको हम इवैल्यूएट करें, पर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को हम एक इवैल्यूएशन टूल की तरह से यूज़ करते हैं. मैं इसे फर्दर कहना चाहूँगी क्योंकि अब हम जहाँ पे भी लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें असेसमेंट उसका हिस्सा है. हम ये कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जो इन तीनों को भली भांति करता है. आप इसे असेसमेंट एज लर्निंग तो कर ही रहे हैं, दैट इज़ वॉट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग मीन्स. और जब हम लास्ट स्टेप पे भी आते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो वहाँ पे आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं. कैसे? मानो बच्चे से आपने, मैं प्राइमरी का ही उदाहरण लूँगी, उससे हम ये चाहते हैं कि वो अपने परिवेश के बारे में कितना जानता है. हमने उसे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सिखाया. अब जब हम उसे बोलते हैं कि अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास के बारे में कितना जानते हैं, तो आप खड़े हो जाइए, आप बताइए.
जब हम इस तरह का प्रश्न करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा घबरा जाता है, उसे खड़ा होना पड़ता है, उसको एक अलग रूप में अपने आप को कम्युनिकेट करना पड़ता है. पर जब हम सबको, बच्चों को इस कि मैं अपने आसपास के बारे में जानना चाहती हूँ एज टीचर, और वो कितना जानते हैं, मानो आप ये कहते हैं कि आज हम जो है सारे एक ड्राइंग का खेल करेंगे जिसमें मैं आपको केवल 10 मिनट दूंगी और आप सबने जो आपको अपने आसपास महसूस होता है, जो हमारे आसपास की दुनिया में है, उसको बस एक लाइन ड्राइंग में फटाफट बनाना. अब ये समय हम कम देते हैं जानबूझ के प्राइमरी शिक्षा के उसमें देखें परिपेक्ष में, तो क्योंकि जब बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है तो बच्चे एक दूसरे से ये कहने लगते हैं मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या बनाऊं, अच्छा तुमने क्या बनाया है. पर जब हम ये कहते हैं कि 10 मिनट है और 10 मिनट में हम ये देखेंगे किसने अपने आसपास की कितनी चीज़ें बना ली हैं, ये बोलते ही बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा कह लीजिए उसका जो है एहसास होने लगता है और वो देखना इधर उधर भूल जाता है और वो फटाफट से अपनी कॉपी पे या जो पेपर उसके सामने, उसमें हमने तो यहाँ देखा है कि हम सोच नहीं पाते थे कि इतनी स्पीड बच्चों की होगी और बच्चों ने 10 मिनट के अंदर 50 से ऊपर आइटम्स जो हैं और इवन रिलेशंस, जैसे मम्मी भी बना दी, दादी भी बना दी, डॉग भी बना दिया, उस तरह की चीज़ें भी कर ली. तो हम यदि ऐसी एक एक्टिविटी देते हैं तो वो बच्चा जो खड़े होकर के बोलने में भी घबराता है, वो इस माध्यम से इतना सब कुछ बता पाएगा, आपको देखने भर की बात है. और आप कहेंगे अरे इस बच्चे को तो सब कुछ आता है. तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इज़ ए कम्प्लीट पैकेज. इसमें ना केवल सीखने सिखाने को हम जो है वो सरल बना रहे हैं, जो मूल्यांकन है वो भी इससे सरल हो जाएगा और बच्चों का डर भी मूल्यांकन के प्रति निकल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई थ्रेटनिंग सेंटेंस ही नहीं होगा, आइए खेलते हैं, आइए बनाते हैं, आइए करते हैं. तो यहाँ पे ये एज अ टूल यूज होता है. ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ सिमरन जी का. सिमरन जी का प्रश्न है, हाउ इज ए स्कूल लीडर आई कैन चेक वेदर दैट इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल और नॉट. सबसे बड़ी बात है यदि आपके क्लासरूम में शोर हो रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, अध्यापक हंस रहा है, तो समझिए कि कला समेकित अधिगम चल रहा है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है. क्योंकि जहाँ पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी बच्चे आपस में बात करेंगे, ग्रुप वर्क दे रखा है हमने, और वो वहीं से बोलेंगे मैम मैंने कर लिया, सर मैंने कर लिया, देखो सर मेरा पूरा हो गया. जब इस तरह की बातें होगी तो अध्यापक भी ये भूल जाएंगे कि ये उनको जो सो कॉल्ड डिसिप्लिन की बातें कहीं होती हैं. हालांकि अब तो सौभाग्य की बात है कि हम अपने जिन स्कूलों में जाते हैं देखते हैं कि इवन हमारे मुख्य अध्यापक जो हैं वो बहुत सहज तरीके से हमें उन्हीं क्लासरूम्स में लेकर के जाते हैं जहाँ पे ये बहुत सहज तरीके से चल रहा है और हंसी मजाक, और वो ये कहते हैं देखिए मैम हमारी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है. सो सिमरन जी, सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखें कि बच्चे यदि हंस रहे हैं, डरे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, एज लीडर व्हेन यू एंटर द क्लास तो वो आपको कुछ ना कुछ दिखाने के लिए तत्पर हैं, और वो ये कहते हैं मैम आज आपको पता है हमने इतना खेला, मैम हमने ये किया, तो समझिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रहे हैं. और यदि सब कोई लाइन बद्ध तरीके से बैठे हैं और आप चाहते हैं तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं, तो आप समझिए कि बच्चे सहज नहीं हैं, जो भी हो रहा है वो शायद जॉयफुल नहीं है और उससे लर्निंग भी बेहतर नहीं हो रही होगी. मैम आपने बताया कि लॉन्च ये कुछ वर्षों पहले हुआ है, तो अभी तक क्या इम्पैक्ट हुआ इसका एडुकेशन में, इंडियन एडुकेशन में, ये प्रश्न है रोमिल जी का. अभी हम 16 स्टेट्स में कर पा रहे हैं इसको, हमारे शुरुआत दिल्ली से हुई थी और जहाँ पे भी हमने स्टेट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग किया और लॉन्च किया इसको, वहाँ उन 40 लोगों, क्योंकि हम 40 से ऊपर का ग्रुप नहीं लेते हैं, जहाँ 40 टीचर्स जो हैं जाकर के काम करते हैं और उनका जो आउटकम है उसे देख करके वहाँ के प्रशासन ने अपने बाकी के टीचर्स को भी इस तरह की ट्रेनिंग दिलाई है. और बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं, जैसे मैं नाम लूँगी यहाँ पे दिल्ली का, बिहार का, इवन महाराष्ट्र का, केरल का, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और वहाँ का प्रशासन इसमें पूरी तरह
तरह से साथ दे रहा है, और जो टीचर्स और रिसोर्स पर्सन हमने डाइट के लोगों को भी ट्रेन किया है, जो लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेके एनसीईआरटी से गए हैं, वो अपने स्तर पर अपने राज्यों के जो बाकी के अध्यापक हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, साथ ही साथ इस तरह के मटेरियल्स तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से टीचर्स का हैंड होल्डिंग हो सके। और राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी इस पे एक्टिवली काम कर रही है, हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं जो नेशनल लेवल की रिसर्च है, और बहुत जल्दी वो हम देश को देने वाले हैं कि क्या आउटपुट है हमारे इतने राज्यों की। पर दिल्ली सरकार ने जो है 2012 में एक रिसर्च किया था जो जिसमें एनसीईआरटी भी पार्ट ले रहा था, हम भी देख रहे थे, जिन टीचर्स की हमने ट्रेनिंग करी उन सबके क्लासरूम देखे और एक कंपैरेटिव स्टडी किया उन स्कूलों के साथ जहाँ के टीचर्स की हमने ट्रेनिंग नहीं की थी, तो जो उनका एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी, और जो इमोशनल डेवलपमेंट है उन बच्चों की उसका भी, तो वो इतने अच्छे परिणाम थे कि उसके बाद से रुकने का किसी को जरूरत महसूस नहीं हो रही है और ये प्रोग्राम लेके आगे चल रहे हैं। So today we very well understood what is art integrated learning and also its purpose. Here I would like to read one of the quotation of Rabindranath Tagore, which is literature, music and the arts all are necessary for the development and flowering of a student to form an integrated total personality, which is actually very true, and this is what we have discussed today. Thank you so much, Professor Pawan, for sharing a lot of information with us. Tomorrow we will talk on Urdu Imla, means Urdu punctuation. So if you have any question, any queries regarding our any program, then you can dial into our toll-free number or can drop an email to us. Till then, take care and keep watching Kishore Manch.